हेलो एवरीवन, आप सबका मदर ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग घर पे ही होममेड ये बनाने वाले हैं हार्वेस्ट। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए, सबसे पहले हमने धनिया का जो डंटी बचा हुआ है वो लिया है, गाजर है, टमाटर है, जो भी ख़राब हो जाता है वो तीनों को मिलाकर ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। कट लगा रहे हैं तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। घर में फ्री में कैसे हार्वेस्टिंग बनाएं आप लोग को दिखाते हैं। देखिए किस तरह से मैं सबको कट कर रहा हूँ, कट कर लीजिए। अभी हमने सबके छोटे छोटे टुकड़े कर लिया। अब हम इन सबको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करेंगे। सबको मैं मिक्सर ग्राइंड पे डाल लेता हूँ। डाल लिया। अब डाल लेने के बाद अब हम लोग चलते हैं इसको मिक्सर ग्राइंड पे ग्राइंड कर लेंगे। हमारा जो है हार्वेस्टिंग वो ग्राइंड कर लिए हैं, देख लीजिए। इसको हम एक बार और फिर से मतलब हाथों से चला लेंगे, जो ऊपर में रह जाते हैं उसको हाथों से थोड़ा मिला लेना है। देखिए किस तरह से मिला लेने के बाद एक बार फिर से हम इसे ग्राइंड करेंगे। तब फाइनली अब हमारा हार्वेस्टिंग पूरा ग्राइंड हो चुका है। देख लीजिए किस तरह से मैंने ग्राइंड किया, इसी प्रकार से आप भी करिएगा। अब हम इसको चलते हैं टब पे निकाल लेंगे, किसी भी बर्तन पे आप निकाल लीजिएगा। देखिए किस तरह से ग्राइंड किए हैं हम, इसी तरह से अपने हाथों से पूरा निकाल लीजिए। देखिए उसको देखिए, मैं इस तरह से निकाल लिया। निकाल लेने के बाद अपने हाथों से थोड़ा सा इसे मिला लेना है। देखिए किस तरह से मैं मिला रहा हूँ, इसी प्रकार से मिला लीजिएगा। इस तरह से इसको ऐसे मिलाना है कि देखिए इसको ऐसे दबाने पर इसका रस निकलना चाहिए। देख लीजिए किस तरह से मैं उसको दबाता हूँ तो उसका रस निकलता है। अब आप जिस भी पौधे पर फर्टिलाइज़र देना चाहते हो उस पौधे पर आना है और इस तरह से उसको दबा के फर्टिलाइज़र देना है। देखिए इस तरह से दबा दबा कर हल्का हल्का सभी पौधों में डाल दे। उसका सारा रस निकाल के बाद इसको धूप में सूखने के लिए दे देते हैं। आपको भी धूप में सूखने के लिए दे देना है। देखिए मैं सूख में इन्हें देने के लिए दे देता हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं इसको।